आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी रेसिपी स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा भी 2.5 ईयर का बेबी है और ये रेसिपी मेरे बेबी को बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोची क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। और वो रेसिपी है साबूदाना गाजर की खीर। मेरा बेबी बहुत इंटरेस्ट से ये खीर खाता है, तो आप इस खीर को जरूर देखिए और अपने बच्चों को खिलाइए। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम फटाफट चलते हैं किचन में और जो खीर की प्रोसेस है वो देखते हैं। तो चलिए बनाते हैं साबूदाना गाजर की खीर। और साबूदाना गाजर की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 कप साबूदाना लिया है और मैंने साबूदाने को 1/2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था, मतलब आधा घंटा मैंने पानी में भिगो के रखा था और पानी निकल के मैंने छान लिया है। तो साबूदाना भी यहाँ पे अच्छे से फूल गया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है ग्रेटेड गाजर, जो मैंने गाजर को कद्दूकस करके लिया है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून घी। उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिए है गार्निश करने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, किशमिश लिया है, देन कैशू नट्स मतलब काजू मैंने यहाँ पे बारीक कट करके लिए हैं। और उसी के साथ मैंने लिया है यहाँ पे बारीक कट करके बादाम। और खीर बनाने के लिए और खीर को एकदम स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप चीनी और 1/2 लीटर दूध। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन कर लिया है और गैस के ऊपर रखा है बर्तन, तो बर्तन को हल्का सा गर्म होने देना है। फिर हम इसमें ऐड करते हैं घी। तो बर्तन गर्म हो गया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी। घी को भी अच्छे से गर्म होने देना है। तो घी भी अच्छे से गर्म हो गया, तो अभी इसमें मैं ऐड करती हूँ गाजर, जो मैंने यहाँ पे ग्रेट करके लिया है। और गाजर को घी में अच्छे से 1-2 मिनट के लिए फ्राई करके लेना है, ताकि जो गाजर का कच्चापन है वो निकल जाए। तो ये देखिए गाजर का भी हल्का सा कलर यहाँ पे चेंज हो गया है। तो अभी इसमें ऐड करते हैं साबूदाना। तो साबूदाने को भी अच्छे से एक बार फ्राई कर लेते हैं, ताकि गाजर और साबूदाने में जो कच्चापन रहता है वो हल्का सा निकल जाए। तो अभी इसमें ऐड करते हैं मिल्क। और इसे मिक्स कर लेते हैं, ताकि साबूदाना गाजर और दूध अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी दूध को एक हल्का सा उबाल आने देना है। ये देखिए दूध अच्छे से उबल रहा है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी आप आपके स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप चीनी आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हो तो इसमें आप चीनी कम डाल सकते हो। तो ये देखिए अभी चीनी को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो तीनों इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गए। तो अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू और किशमिश। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो उसे और एक बार उबाल लेते हैं। यहाँ पे साबूदाना भी अच्छे से यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गए, मतलब साबूदाना भी अच्छे से यहाँ पे बॉईल हो गए हैं, दोनों साबूदाना में कच्चापन है वो निकल गया है। तो इस खीर को और एक बार हम लोग स्टर करते हैं। उसे 1-2 मिनट के लिए हम लोग ऐसे ही रखते हैं, ताकि 1-2 उबल और आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे साबूदाना गाजर की खीर बनके रेडी है। तो मैं गैस की फ्लेम को करती हूँ ऑफ और खीर को हम निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। ये हमारी खीर बनके रेडी है और मैं इसे गार्निश करने वाली हूँ कुछ ग्रेटेड कैरेट के साथ। ये देखिए तो हमारे
हमारी साबूदाना कैरेट खीर बनके रेडी है, एकदम थिक गाढ़ी और यमी डिलीशियस खीर बनके रेडी है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे बनाएं, ज्यादा टाइम लगता नहीं है, फटाफट बनने वाले ये खीर अपने फैमिली को खिलाइए, आप भी खाइए, स्पेशली आपके बच्चों को खिलाएं, क्योंकि बच्चों के लिए ये खीर बहुत ही हेल्दी है। इसमें कैरेट, साबूदाना, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आप ये खीर अपने बच्चों को जरूर बना के खिलाइए और मुझे आपका एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन आता है उसको क्लिक कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।